नाटक कब टूटेगी विशु? ओहो क्या गजब पहुंचा वो। अरे वो रहा, वो जा रहा है, वो देख। ओ गाइस, जाते समय अभी बारिश स्टार्ट होगी। यहाँ देखो आप, ये देखो, आपको ग्लास पे दिख रहा होगा कार के, और मैं भी दिख रही हूँ, ये अभी दिख रही हूँ। ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है एकदम। ओए यहाँ पे और तेज आवाज आ रही है। हाँ गाइस, अभी मेरे को ये बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ देखो पानी आने लगे, इसे थोड़ा सा बंद करा, इतना सा खुला रह गया। चलो देख, डैम है पूरा। ओ ये ओशी, इधर मंदिर, इधर मंदिर है बालाजी का। अरे देख 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 देख, अरे जमीन भी पानी, वो एलगी जमा हुआ है। ये आ गया पेट्रोल पंप एसर, वो देखो लिख रखा है, इस पे लिख रखा है। सो गाइस अब इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ। कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, बस सिर्फ एक कार है जो कि हम मैंने तो लोवर ऊपर कर लिया, इसको ट्रैपॉड में लगाने दो फोन को। तो गाइस, सो गाइस मैं बैठ रहा, अरे आपको बोल के तो उतरा था मैं, हो रहा तो आज। सो भगवान जी नहीं, सो गाइस सरस्वती माता का मंदिर आ गया है यहाँ पर। वो सती माता का मंदिर था, वो नहीं आते हैं। हाँ मंदिर मंदिर आ चुका है, सती माता का मंदिर अभी आने में। पीछे वो जो थे वही तो थे, अरे मंदिर बना हुआ है यार अपने, मंदिर भी है और वो भी थे। तो कहाँ रास्ता? क्या पता। सो मंदिर तो अंदर है ना पापा, तो इधर है अंदर। और अभी मैं बिंदी लगा दी हूँ, देखो वहाँ कांच में देख के, अभी हल्की सी लगी हुई है, मैं वापस लगा रही हूँ। देखो लगा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अरे यार मतलब बिल्कुल लॉक नहीं लगाना, चाबी नहीं मेरे पास, ये वाले। अभी ये हुआ था, भैया ने हाथ में माचिस ले रखी थी, वो भी बोल रहा था कि ना माचिस का है। जोर जोर से चिल्ला रहा था, माचिस का है, माचिस। अरे ढंग से बंद नहीं हुआ। तो गई यहाँ सती माता का स्थान है, मंदिर भी है। ये हमारा देवता का स्थान है, तबीयत खराब होने की वजह से हम आ नहीं पाए थे, और thank you।
के अंदर थे सब बंदर। जय हो श्री माता की जय। जो थोड़ा रानी की जय। ये हमारा पूरा गांव का दृश्य है। तो गाइस अब चलते अपन घर की तरफ। नहीं नहीं दुला भाऊ जी के यहाँ जा रहे जो मतलब मेरे पर दादा जी है। गाइस मतलब अभी हम जा रहे पर दादा के स्थान पर जा रहे हैं। मतलब गाइस पापा जो है पापा के जो दादा है ना उनके स्थान पर जा रहे हैं। हम दादा के पापा के स्थान पर जा रहे हैं। तो चलते अपन और कार छोड़ने के लिए। तो गाइस ये जो रास्ता है ये पापा के दादा का रास्ता है पर दादा का रास्ता है उनके स्थान का। तो अभी हम जा ही रहे आगे। सो गाइस स्थान आ चुका है। ये देखो कितना कहा दादी ने कितना कहा। ये रोक जय हो भगवान जय हो दुला बाबू जी की जय। रात्रि जागरण महादेव गाया माता कीचड़। अभी मैं पूरा चिपक कर देती वीडियो के चक्कर में। अगरबत्ती भी है ले ली तो पाव रख के फिर चलती। अरे मेरे को उधर से निकलने दो रे इधर से निकलने दो मेरे को। मम्मी 2 सेकंड अटने मैं कभी निकल करते। वो गाइस वो जो दिख रहा है ना आपको वो हैंड पंप है और वो भी दब गया पत्तों के अंदर। और यहाँ पर हैंड पंप जो है ना ये दादी ने लगवाया था। हाँ तो ये जो हैंड पंप मैंने अभी आपको बताया ना तो ये दादी ने लगाया था जो कि अब ऐसा हो गया। मैं सॉक्स भी खोल देती हूँ। सो गाइस यहाँ जो स्थान है ना इसके यहीं पर ही रात्रि जागरण हुआ था। इसी स्थान पर रात्रि जागरण हुआ था। इधर हम सब बैठे थे पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। उधर तक पेड़ पौधे कुछ ही नहीं थे बस पीछे बस जरूर थे पर इधर आसपास इधर बिल्कुल भी नहीं थे। और ये देखो ये पता नहीं कौन सा पेड़ है बरगद का पेड़ है शायद। तो चलो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर भी एक और भगवान जी का स्थान है तो यहाँ पर भी अगरबत्ती पापा लगा रहे। और जो हैंडपंप दादी ने लगाया था वो ये रहा। सब जना बुलाना होता पापा से भी। सो गाइस अभी जा रहे हैं खेत पे। और ये देखो मतलब पहले से बिल्कुल अलग रास्ता गया। हम चारों जने मतलब 2 साल बाद में आए यहाँ पर अकोला में और खेत जाके आएंगे। अभी देखो सब जगह मतलब मेरे को तो हर खेत में मतलब मक्के तो दिख ही दिखे। ये देखो ये सब मक्के ही है सब। चल रहे आगे पहले पानी पीना है मेरे को यार पानी की बहुत प्यास है। पानी पीती हूँ फिर अपन खेत में चलते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ खेत कैसा है कैसा नहीं है। अभी हम आगे जा रहे हैं
जा रहे हैं खेत में गाड़ी लिया तो भैया हाँ तो गाइस अभी हम जा रहे खेत में तो आपको दिखाते नहीं ये पूरा यहाँ से खेत स्टार्ट देख वेस ओ शिट अपने खेत का तो है तो आपने खेत में बन इधर अभी कोई पैंथर भी घूम रहा है रिद्धि पता है तो गाइस ये है पूरा मतलब प्लॉट एक खेत सॉरी प्लॉट नहीं खेत ये देखो पूरा वाह ये पानी का कुछ है ये कुछ है यहाँ कमरा है जो भी यहाँ रहते हैं ना उनके लिए कमरा है चलते अपन अंदर ये देखो ये पूरा खेत अपना है तो गाइस यहाँ पे केले का भी है यहाँ पे बहुत सारी चीजें है यार ये पूरा देखो ये पूरा भुट्टे और ये कपास उग रहे कपास उग रहे ये भुट्टे निकाल रहे देखो वाह और ये ऊपर जाने का भी है लेके वो लास्ट खजूर तक और वहाँ कुआ है बोरिंग वहाँ करा रखी ये देखो एक बोरिंग यहाँ एक बोरिंग और एक बोरिंग आगे होगी कहीं ये देखो यहाँ से पूरा है सीताफल का सो गाइस ये देखो क्या निकाला है मूंगफली अभी धोएंगे इनको हो गया निकाल लो और थोड़ी अरे यार मूंगफली भी है सीताफल भी चलो ऊपर चलते भैया बुला रहे चलो 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 छत भी मतलब ये देख वाली है। ये जो पेड़ लग रहे हैं ना इस पेड़ से जो वहाँ आगे लास्ट पेड़ है फिर वहाँ से वापस एक और इधर और फिर ये पूरा और इधर से इधर ये देख ये पूरा खेत है अपना लीन धीरे से आना पानी जम रहा है केले का पेड़ भी लग रहा है देख मैंने बता दिया केले का पेड़ भी है कपास भी उग रहे कॉटन है ये पूरी है देख धीरे धीरे देख किस तरीके से बाहर आ रही है ये कॉटन है क्या असली कॉटन है वाओ भाई मतलब पहले अपन इतनी सारी मूंगफली तोड़ ली मन दे दीजिए थोड़ी थोड़ी अभी है ही ना एक थैली ले जाओ भाई थैली तो रखी हुई है मेरे साथ रुको जल्दी इधर से हाँ रुको मेरे को आने दो रुक ना यार एक कपड़ा कहीं थाली दे दो मैं टब दे दो तो भाई पापा रुको हमारे तो खेत में है ना यार देखो ओए काचरो तो बुड़ो ये खूब सारी काचरी अरे पापा कितनी सारी मतलब पापा ये क्या है पापा ये कॉटन है क्या ये हाँ ये कॉटन निकाल के बताओ ना ढूंढिया नहीं चुप जाए तुम यहाँ रख रहा हूँ ओ पूरी असली कॉटन है और गीली हुई है हाँ अभी गीला हो रहा है इसलिए पापा को स्लीपर दे देना नहीं कोई बात नहीं पापा उधर जा रहे हैं कुछ लेने के लिए कोई सब्जी या फिर कुछ सो फ्रेंड्स ये आंटी अपने आपे से खेत से हमारे को मूंगफली तोड़ के दे रहे हैं साफ करके सारी मूंगफलियां साफ कर रहे हैं और मूंगफली निकाल के दे रहे हैं और उधर की साइड और जो दो आंटी हैं वो और पापा उधर भुट्टे लेने के लिए गए हैं और ये देखो ये हमारा फार्मर तो ऐसी बड़ी बड़ी मूंगफली आती है ऐसे ये रिद्धिमा हमारा
ये थोड़ा आल तरह 15-20 दिन और उठी रहे बढ़िया पाक दे ये फुलके बहुत है। ये मम्मी ने मूंगफली निकाल ली है। अभी जिधर कार खड़ी करी थी उधर से कार आगे ले आते हैं, हम लोगों को पता चल गया था, पर हम लोगों को लगा कि उधर इतना रास्ता नहीं होगा कि हम जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कार उधर ही ले लेते हैं अपन, यहीं पास में ही खड़ी हुई है कार, हमने यहीं खड़ी कर दी थी, चलो चलते कार लेके वापस उधर की साइड ही, इधर ही खड़ी करी थी हमने कार, यहीं खड़ी कर गए थे हम लोग, हमने कहा था कि एक बार देख लेते कि यही रास्ता है, कन्फर्म कर लेते हैं, यही है रास्ता, तो चलिए ठीक है, ऐसे अपन कार ले लेते हैं फिर वापस चलते हैं उधर की साइड। वैसे बहुत सारी सब्जियां लग रही है इधर पास में, पूरा खेत है सारे, ये अपनी कार खड़ी है, कार ले लेते हैं अपन और उधर ही चलते हैं। सो फ्रेंड्स चलो कार लेके अपन उधर की साइड ही चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है पर हम लोग क्या रास्ता कंफ्यूज हो गए थे इस वजह से हमारे को थोड़ा ज़्यादा दूर लगा, बाकी यही है रास्ता। सो फ्रेंड्स ये पूरी कपास है, पूरे कॉटन है, एकदम ओरिजिनल कॉटन है, ये देखो इतनी सॉफ्ट है, वैसे रुई तो सॉफ्ट होती है पर ये इससे ज्यादा सॉफ्ट एकदम प्योर है ना, इसलिए ना इसके अंदर दिखाता हूँ, यहाँ से देखना ये बैठा हुआ है, ये रहा, अब वही देखो एकदम मेरी उंगली के वहाँ देखो, देखिए अब ब्लू, वो देखो ऊपर हुआ, वो देखो निकले ना कभी भैया, एक बार खोल दे ये गड्ढे में नाके का रिव्यू कहीं हो, देखो खोल दिया, ओ ये बोलते से वो बंद कर देते हैं यार, तो सावरिया जी वाले रोड से जाओ ना, वहाँ इतने मोर और जो सुंदर मोर खूब, वही सुंदर है सबसे ज्यादा अभी यहाँ, लो चलो गाइस अभी खेत से जा रहे, ये बड़ा पापा भी आता है चितोड़ू, ये अंकल भी यहाँ पे वो करते हैं खेती, ये देखो पूरा अब जा रहे हम, और सब्जियां भी बहुत सारी ली है, ये पूरा मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा फार्म है अपना, अभी हम फार्म में, ओ अभी किचन में बजा थी, तो अभी हम पूरे फार्म पे, मतलब पापा तो पूरे पीछे चले गए थे फार्म के अंदर, एकदम लास्ट कोने में जाके भुट्टे लेके आए, देखो ये इसमें सब्जी है, इतना बड़ा फार्म, चल तो गाइस मौसम देखो ये कैसा हो गया, क्या मतलब इधर भी ये काले बादल हो रहे हैं ना, उधर बहुत जोरदार वाली बारिश आ रही है, वाह क्या पहाड़ है इधर मस्त, वहाँ देखो कांच नीचे करते हैं, मैं सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए, ये देखो यहाँ काले बादल, फिर यहाँ पर भी काले बादल, ये देखो